10 जुलाई 2019 को कॉन्फ्रेंस में सेफ्टी विषय पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में सेल आईएसपी के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और उसमें सुधार पर एक नजर डाला गया। बैठक में आईएसपी बनपुर के सीईओ श्री एवी कमलाकर के अलावा कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक, क्षेत्र प्रभारी, विभागीय सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। बैठक की शुरुआत में असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी श्री हिमांशु नीरज ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। तदुपरांत उपस्थित अधिकारियों द्वारा डिपार्टमेंटल सेफ्टी इश्यूज, सेफ्टी इनिशिएटिव, नियर मिस केसेस रिपोर्टिंग को सबके समक्ष प्रस्तुत किया। जीएम सेफ्टी श्री सुब्रतो घोष ने नियर मिस रिपोर्टिंग की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं सेल चेयरमैन द्वारा दिए गए सुरक्षा से संबंधित उपायों की जानकारी उपस्थित सभी को दी। ईडी प्रोजेक्ट श्री एआर दास गुप्ता ने सुरक्षा के लिए दिए गए सभी उपकरणों का इस्तेमाल एवं इसकी सटीक जानकारी का होना सभी के लिए अनिवार्य बताया। ईडी एमएम श्री एसपी सिंह ने कहा, सुरक्षा की जरूरत हमें हर पल रहती है, फिर चाहे हम घर पर हो या घर के बाहर। ईडी वक्त श्री एके सिंह ने आईएसपी में सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए। जीएम एफएनडी श्री राजेश अग्रवाल ने सुरक्षा के लिए बताए गए सभी उपायों को अपनाने एवं दूसरे कर्मचारियों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की बात पर जोर दिया। बैठक के अंत में सभी तथ्यों पर विचार करते हुए सीईओ श्री कमलाकर ने अपने निष्कर्ष में कहा कि दुर्घटना के कारण को पहचान कर जड़ से उसका निवारण करें। उन्होंने रोड सेफ्टी से लेकर प्रोसेस सेफ्टी एवं हाउसकीपिंग तक सुरक्षा को महत्व देने की बात कही, ताकि जल्द से जल्द आईएसपी को सेल का दुर्घटना मुक्त इकाई बनाने में कामयाबी हासिल हो।